नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रंजना वेज फूड चैनल में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी भी नई है और सब्जी भी नई है। सबसे पहले आइए आप लोग को हम पेड़ दिखाते हैं और आप लोग को फल भी दिखाते हैं हम लेने के आए हैं। तो इस पेड़ का नाम है दोस्तों पाकड़, इसको पाकड़ बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों, अस्सी पापा जो है चढ़ रहे हैं पाकड़ के पेड़ के ऊपर। और ये पेड़ जो है बहुत ज्यादा मोटा है, इसकी जड़ें आप लोग को दिखा देते हैं। ये देखिए जड़ों की वजह से ये देखिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफी चींटे इसे खा रहे हैं। चींटे लोग की बहुत ज्यादा अच्छी रेसिपी है ये। आशिक पापा ऊपर चढ़े हुए थे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वो बड़े वाले चींटी है दोस्तों, जो काला काला बड़ा बड़ा होता है ना, वो वाला चींटी है, चीटा बोल सकते हैं आप लोग। तो वो काट रहे थे, इसीलिए देखिए पूरी ठाई तोड़ करके जमीन पे गिरा दिए हैं। तो यहाँ से हम अब यहाँ पर तोड़ लेंगे एक एक जो है। और ये आप लोग को पास से दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जैसे गूलर होता है बिल्कुल गूलर की तरह रहते हैं, बट क्या है कि गूलर इससे बड़े होते हैं, ये गूलर से छोटे हैं। और इनका इसका नाम है पाकड़। तो यहाँ से हम इनको तोड़ लेते हैं। देखिए इसको भी तोड़ने के बाद यहाँ से दूध निकल रहा है, ऐसे गूलर में भी तोड़ने के बाद दूध निकलता है। तो टहनी में देखिए आप लोग सेंटर लगा करके कितना बढ़िया तरीके से जो है पाकड़ फरा हुआ है। तो कुछ चीजें होती हैं दोस्तों जो कच्चा नहीं खाया जाता, पकने के बाद ही खाया जाता है। तो ये वैसे ये भी है, जब पक जाता है तब इसको खाया जाता है। तो चलिए दोस्तों भी इनको लेकर चलते तोड़ेंगे। तोड़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक एक टहनी ले आकर करके हम ऐसे तोड़ लेते हैं अपने जरूरत के हिसाब से पूरा पाकड़। ये देखिए अपने जरूरत के हिसाब से मैंने इतना तोड़ लिया हुआ है। ये छोटा छोटा है, बहुत ज्यादा मैंने तोड़ लिया हुआ है। देखिए इतना ढेर सारा है। तो इतने में हम रेसिपी बना लेंगे। अभी आप लोग को पूरा पेड़ दिखा देते हैं। आप लोग सब्जी लेकर के चलिए, फिर चलते हैं घर पे। अभी सब्जी लेकर हम आगे घर, इसको थाली में गिरा लेते हैं, पानी डाल करके धुल के साफ कर लेते हैं। धुलने के बाद दूसरे थाली में रख लेते हैं। धुलने के बाद अभी इसको हम कट करेंगे। इसके ऊपर का डंठल हटा देते हैं, इसको बीच से फाड़ते हैं। तो अभी आप लोग देख लीजिए जिस तरीके से गूलर में बीज होता है बीच में, उसी तरीके से देखिए इसमें भी ढेर सारा बीज है। तो अभी इसको हम ऐसे ही पूरा दो टुकड़ों में काट लेते हैं। इसका बीज नहीं निकालेंगे हम, बहुत छोटे छोटे हैं तो खाने में अच्छा लगेगा, जब दांत के नीचे पड़ेगा ना बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो इनको ऐसे ही हम कट कर लेते हैं। इसको मैंने काट लिया हुआ, चूल्हा में आग जला दी है। चूल्हा पर रख देते हैं पतीला, इसमें डाल देते हैं पानी और कटा हुआ जो है इसमें पाकड़ डाल देते हैं। और इसी के साथ में हम आलू भी उबालेंगे, तो हम इसमें डाल देते हैं आलू। अब थाली से ढक करके आलू और पाकड़ हम उबाल लेते हैं। सब्जी हमारी उबल रही है, तब तक इधर हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया हुआ है लहसुन, लहसुन का छिलका हम उतार लेते हैं। लहसुन का छिलका उतारने के बाद यहाँ पर मैंने एक कटोरी में पानी लिया हुआ है, तो पानी में हम डालते जाएंगे। प्याज का छिलका उतार लेते हैं। आधा प्याज हम काट लेते हैं, पीसेंगे, और आधा इतना प्याज हम तड़का के लिए रख लेते हैं। प्याज है, लहसुन है और हरी मिर्च है, इनको हम पीस लेते हैं।
मसाला हमने पीस लिया हुआ है, इसको प्लेट में उठा के रख लेते हैं। थाली हटा करके चेक करेंगे, देखिए आलू हमारी पूरा जो है उबल चुकी है। तो ये भी हमारा उबल चुका है। उबालने से और क्या होगा कि ये जो इसमें बहुत ज़्यादा दूध था, उबालने पर पूरा दूध जो है ख़त्म हो गया है। आलू मैंने ठंडा पानी में डाल दिया हुआ है, अभी निकाल कर इसका छिलका उतार लेते हैं। आलू का छिलका उतारने के बाद यहाँ पर देखिए हम आलू काट लेते हैं। चूल्हे पर हम रख देते हैं कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देते हैं तेल। तेल गरम हो गया, इसमें मैं प्याज का तड़का लगा देती हूँ। इसमें मैंने गरम मसाला और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर मिला लिया हुआ है। यहाँ पर हमारा देखिए प्याज जो है ब्राउन कलर का हो गया है, इसमें मैं मसाला डाल लेती हूँ। मसाला मैंने भून लिया हुआ है, अब हम इसमें डाल देते हैं आलू। हम इसमें पकड़ भी डाल देंगे, सबसे कम धनिया से मिला लेते हैं। कच्चे टमाटर हमने काट के ले लिया हुआ है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। डाल देते हैं नमक, सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया हुआ है। सब्जी को हम थाली से बनाते हैं और इस समय आग जो है हम धीमा किए रहेंगे। तो थाली हटा करके सब्जी एक बार चला देते हैं कल्छी से। तो थाली हटाने पर खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है मसाले की। तो आप लोग चाहे तो पानी डाल के ग्रेवी वाला सब्जी बना सकते हैं। हम देखिए इतनी सूखी सब्जी बनाए हुए हैं बगैर पानी की, तो कितना बढ़िया दिख रहा है सब्जी हमारा। और अभी जो है हमारी सब्जी एकदम से पक भी चुकी है, सब्जी जो है हमारी उबली हुई है, तो इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगा, मसाला पकाना था। और सब्जी हमारी जो है बनके हो गई है तैयार, ये देखिए। सब्जी को हम एक थाली में सर्व कर लेते हैं। तो ये आप लोग पूरा कलर आया हुआ है। तो इस सब्जी के साथ ही देखिए मैंने रोटी भी सर्व कर लिया हुआ है, खाना हमने थाली में परोस लिया हुआ है। आइए आप लोग खा लीजिए दोस्तों, देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्जी जो है तैयार हुई है। आप लोग चाहे तो पराठा और पूड़ी बना सकते हैं, उसके साथ भी खा सकते हैं ना, रोटी भी बना सकते हैं। तो कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो इस तरीके से सूखी सब्जी बना करके लेके जा सकते हैं, जल्दी खराब नहीं होगा। पाकड़ की सब्जी बना हुआ है, उसके साथ में देखिए रोटी मैंने परोसा हुआ है। खाना हमारा एकदम बनके तैयार है। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस सब्जी को आप 2 दिन तक जरूर रख सकते हैं, खराब नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ है। पानी वाली सब्जी जल्दी नहीं खराब होती है। तो इस वीडियो को अगर आप लोग को पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग मेरे वीडियो तक देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।